tat pravakshami. Yajnatvamratamasnute. Anadimat param brahma. Nasattanna sadhuchyate. Sarvatah panipadam yat. Sarvatah panipadam tat. Sarvato kshishiro mukham. Sarvatah srutimalloke. Sarvamavritya tishthati. Sarvendriya guna bhasam. Sarvendriya vivarjitah. Mahakiha. Sarvendriya vivarjitam. Sarvendriya guna bhasam. Sarvendriya vivarjitam. Asaktam sarva bhrichaiva. Nirgunam guna bhoktrucha. Bahirantascha bhutanam. Acharam charam mevacha. Sukshmatvattadavigneyam. Dorastham chantike chatat. Avibhaktam vibhakteshu. Avibhaktam cha bhuteshu. Vibhaktam iva chasthitam. Bhuta bhartricha tajnyam. Grasishnu prabha vishnu cha. Grasishnu prabha vishnu cha. Jyotishamapi tad jyotihi. Tamasah paramuchyate. Jnanam jnyeyam jnanagamyam. Hridi sarvasya vishthitam. Jnanam
sarvasya vishthitam. Iti kshetram tatha jnanam. Jnayam choktam samasatah. Madbhaktaye tadvijnaya. Madbhavayopapadyate. Madbhavayopapadyate. Prakritim purusham chaiva. Vidyanadi ubhavapi. Prakritim purusham chaiva. Vidyanadi ubhavapi. Vikaranscha gunanschaiva. Vidhi prakriti sambhavan. Karyakarana kartratve. Hetuh prakritiruchyate. Purushah sukha dukkhanam. Bhoktrutve heturuchyate. Purushah prakritistho hi. Bhunte prakriti jan gunan. Karanam gunasangosya. Sadasadyoni janmasu. Kya hai? Thik hai. Sadasadyoni janmasu. Upadrashtanumantacha. Upadrashtanumantacha. Bharta bhokta maheshwarah. Paramatmeti chapyuktah. Dehesmin purusha parah. Dehesmin purusha parah. Yaevam veti purusham. Prakritim cha gunaisah. Sarvatha vartamanopi. Na
स भूयो भिजायते न स भूयो भिजायते सो भगवान ने गेय तत्व के विवरण के बिल्कुल अंत में ये बात कही, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः। ये शब्द दृक् दृश्य विवेक से मिलाना चाहिए। जितनी भी ज्योतियाँ हैं माने दृश्य और दृष्टा की परंपरा में जो भी ज्ञान के कारण बनते हैं, बाहर एक भौतिक ज्योति है, इसके बाद नेत्र ज्योति है, इसके बाद मनोज्योति है, और इसके बाद जो मूल दृष्टा है, वास्तविक दृष्टा है, भगवान कहते हैं वो ज्ञेय है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः। जब अनुसंधान करना है तो इस रीति से करना चाहिए। देखो, इसमें कई बातें हमें इस प्रकरण में देखने को मिली। जैसे ऊपर के लक्षण में वही चिन्मय सत्ता ब्रह्मा शब्द से जानी जाती है, वही चिन्मय सत्ता विष्णु शब्द से जानी जाती है, और वही चिन्मय सत्ता शिव शब्द से जानी जाती है। ये तीनों के तीनों व्यवहार चेतन में आरोपित हैं। वास्तव में ये तीनों व्यवहार घटते कहाँ हैं? सृष्टि में। निर्व्यवहार परमात्मा में कोई व्यवहार नहीं होता, सावधानी रखो, कोई बात नहीं। व्यवहार जितने हैं वो सृष्टि में घटते हैं। उत्पत्ति नाम का जो व्यवहार है वो सृष्टि में होता है, स्थिति नाम का जो व्यवहार है वो भी सृष्टि में ही होता है, और फिर प्रलय नाम का जो व्यवहार है वह भी सृष्टि में ही होता है। सृष्टि की अपनी एक गति है। वो जो परा प्रकृति है जीव, जो सृष्टि का एक तरह से हिस्सा ही है, उस जीव प्रकृति के कर्मों के कारण उसको फल देने के लिए सृष्टि का प्रभाव है, उसी के लिए सृष्टि की स्थिति है, और उसके कर्मों का क्षय होने पर सृष्टि का प्रलय है। सृष्टि नाम के पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं हैं। तो जो व्यवहार घट रहा है वो सृष्टि में है, लेकिन परमात्मा सृष्टि का अधिष्ठान होने के कारण इस व्यवहार का कर्ता माना जाता है, लोगों के द्वारा जाना जाता है। क्योंकि उसी में से सृष्टि उत्पन्न हुई, इसलिए कहा जाता है वो सृष्टि का कर्ता है। कैसे? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। देखो, परमात्मा अध्यक्ष है। कल्पादौ विसृजाम्यहम्, भगवान ने कहा कल्प के आदि में मैं इसका सृजन करता हूँ। बोलते हैं भगवान भूत्वा भूत्वा प्रलीयते,
प्रकृतिं यान्ति भूतानि, नहीं कैसे है? कैसे है? सारी प्रकृति मुझे प्राप्त होती है। कौन सा नवा अध्याय? नवा ना, जरा एक सेकंड के लिए वासुदेव देखें आप, जल्दी से जल्दी देखिए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। बस पकड़ में आ गया। देखो वहाँ सृष्टि कहाँ हो रही है उसका विवरण साफ है। सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कौन्तेय, सर्वभूतानि माम प्रकृतिं यान्ति। माम न यान्ति, किंतु देखो माम प्रकृतिं यान्ति। कदा? कल्पक्षये, कल्प के क्षय में, और फिर कल्प आदौ विसृजाम्यहम्। अहम माने मेरी अधिष्ठानता में। किसी को भ्रम न हो जाए कि भगवान ने कहा है कि मैंने सृजन किया तो भगवान साफ कर देते हैं। मया ध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते, अहम न सृजामि। प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अनेन एव हेतुना, इसी हेतु से जगत में विपरिवर्तन विपरिणाम होता रहता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा प्रलीयते, ये सृष्टि का स्वभाव है, सृष्टि का धर्म है। लेकिन ऐसी सृष्टि का मैं अधिष्ठान हूं तो वो अपना व्यवहार मुझ में रह के करती है। हाँ, इसलिए मेरा ही नाम पड़, जब एक व्यवहार होता है तो मेरा एक नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ा? भूत भर्त्री। पहले क्यों रखा भगवान ने? क्योंकि स्थिति काल में हम लोग बैठ के श्रवण कर रहे हैं, स्थिति काल में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले जो व्यवहार हमको दिखाई देता है वो है भर्त्री, माने सृष्टि का पालन हो रहा है, सृष्टि की स्थिति है। जिसकी अधिष्ठानता में यह सृष्टि बनी हुई है उसका नाम है भूत भर्त्री अर्थात महाविष्णु। विष्णु जीव नहीं, कौन? विष्णु चेतन। ध्यान रखना, जब चेतन की बात आएगी तो विष्णुत्व का चेतन में आरोप होगा। वह सृष्टि के संदर्भ में विष्णु शब्द वाच्य है, न कि वो विष्णु व्यक्ति है, ये ध्यान रखना। वो कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कि एक व्यक्तित्व हो। जब जीव विष्णु आएगा तो उसका एक व्यक्तित्व होगा, उसका अपना एक चरित्र होगा, उसकी अपनी सीमा होगी, उसका एक अभिमान होगा, उस अभिमान के अनुसार फिर उनकी शक्ति होगी, अधिकार क्षेत्र होगा। तो कोई जीव, अब इस प्रबंध को ध्यान में रखना, हमारे पुराणों में इस तरह की बात भी आती है। तो कोई जीव जब अपने विशिष्ट उपासना और कर्मों के कारण मानो विष्णु पद पर आसीन हुआ तो वह विष्णु शिव नाम के जीव से भिन्न होगा, उनमें परस्पर अन्योन्य भाव होगा। ये शिव विष्णु नहीं होंगे और विष्णु शिव नहीं होंगे। अगर ऐसी स्थिति है
और कोई बलपूर्वक ऐसा कह रहा हो या कहीं बलपूर्वक ऐसा लिखा हो तो आप निश्चित जान लो कि वो परमार्थ नहीं है, बल्कि वो किसी जीव की ही संज्ञा है। जहाँ जहाँ अन्योन्या भाव हो जाए आप समझो वहाँ जीव है, वहाँ अधिकार सीमित है, वहाँ चरित्र सीमित है और वहाँ पर एक व्यक्तित्व है जो दूसरे व्यक्तित्व से भिन्न है। तो जब कहा जाएगा कि शेषशायी क्षीर सागर में शेषशायी विष्णु, कैलाशवासी भगवान शंकर के पास गए अथवा शिव जी वहां गए, अगर तो कोई ऐसे ही बात कर रहा है तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वास्तव में उस पर बल दे रहा हो कोई तो ये एकदेशीय एक व्यक्तित्व विशेष वाले लोग फिर वो महाविष्णु नहीं है। केवल भेद करने के लिए शब्द आ जाता है विष्णु और महाविष्णु, शिव और महादेव, इस तरह से कोई शब्द भेद करने के लिए लाते हैं। अब वो शब्दों के पकड़ने से तत्व तो पकड़ में आएगा नहीं, इसलिए आप सीधा सीधा जानो यह विष्णु जीव को कहा जा रहा है कि चेतन को। बस आपका प्रश्न ये होना चाहिए, आपकी जो इंक्वायरी है वो ये होनी चाहिए, चेतन अगर विष्णु शब्द वाच्य है तो वो कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है उसका किसी के साथ अन्योन्य भाव नहीं है, सारे हाथ पैर अंतःकरण उसी के हैं, सर्वतः पाणिपादम यत् सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, वो तो सहस्र शीर्ष है, उसका किसी के साथ विभाग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही है जैसे किसी भी तरंग का जल के साथ विभाग नहीं हो सकता, उसका सभी के साथ अभिन्न भाव है। जब हम कहते हैं शिव चेतन, जब चेतन को शिव बोलते हैं तो वो कोई व्यक्ति नहीं होता, जब चेतन को ब्रह्मा संज्ञा प्राप्त होती है तो उस समय वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वह संज्ञा चेतन को मिली सृष्टि में घटते हुए व्यवहार के कारण। सृष्टि में सृजन नाम का व्यवहार हो रहा है, सूयते मानो सृष्टि कल्प के आदि में प्रकट हो रही है, तो यह प्रकट होने का व्यवहार कहां हो रहा है, सृष्टि में। इस व्यवहार के कारण, इस व्यवहार के संदर्भ से चेतन को ब्रह्मा संज्ञा प्राप्त होती है। बस सृष्टि में स्थिति नाम का व्यवहार है, इस कारण से माने व्यवहार के इस संदर्भ को लेकर के, है ना, उसी चेतन को विष्णु संज्ञा महाविष्णु संज्ञा प्राप्त होती है। और फिर प्रलय नाम का व्यवहार देखते हुए व्यवहार की अपेक्षा से, वो व्यवहार किसका, सृष्टि का। सृष्टि के इस प्रलय नाम के व्यवहार से चेतना को ही शिव संज्ञा प्राप्त होती है। बस शिव संज्ञा के दो आधार हैं, जब समूचे प्रपंच का बाध होता है चेतन के बोध से, जब समूचे प्रपंच का बाध होता है
उस समय भी इस बाध व्यवहार के कारण शिव को हम उस चेतन को शिव बोल देते हैं। पकड़ में आता है, एक लय व्यवहार हो रहा है, एक बाध व्यवहार हो रहा है। लय व्यवहार में पुनः उदय है सृष्टि का, और जब बाध व्यवहार है तो वो सृष्टि की आयु के अनुसार नहीं है, बल्कि वो ज्ञान के कारण है। किसी तत्वज्ञानी की प्रमा में जब सृष्टि बाधित होती है, बाधित होकर के अधिष्ठान को अपरोक्ष अनुभव करके ज्ञानी पुरुष देखता है ये तो बिल्कुल अद्वैत है, प्रपंच इसमें लीन नहीं हुआ, बल्कि प्रपंच नाम की कोई वस्तु नहीं है, तब फिर से उसी चेतन को शिव बोलते हैं। शांतम शिवम अद्वैतम, ये कारिका का मंत्र है, शांतम शिवम, सॉरी मांडुक के उपनिषद का मंत्र है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है और वही जानने योग्य। देखो ये शिव शब्द का उपचार हुआ कब, सृष्टि लीन नहीं, सृष्टि संहार ही हो गया उसका, लेकिन संहार आयु से नहीं, संहार ज्ञान से, इसलिए उनका नाम पड़ गया शंकर, शम करोति भी। रुद्र शब्द का अर्थ क्या है, रोदयति सर्वान, महाप्रलय काले, वो दूसरा नाम है, लेकिन शम करोति, एकदम निरुपद्रव शांति की स्थिति में जो ले जाने वाला तत्व है वो है शंकर। शिव परम मंगल, यानी अल्लाभात न परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, हो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई मंगल नहीं हो सकता, इसलिए चेतन न कह करके उसको शिव कह दिया, मंगल स्वरूप है। सर्वो पपलव रहितः, मांडुक्य उपनिषद, सर्वो पपलव रहितः, इस संज्ञा है, किस दृष्टि से ये संज्ञा दी जा रही है और किसको दी जा रही है, तो कभी इसमें विभ्रम की स्थिति में आना नहीं चाहिए। लोग तो, मैंने कहा ना, लोग स्वयं व्यक्ति हैं, तो वो भगवान को व्यक्ति बनाए बिना रहते नहीं, उनको व्यक्ति बनाएंगे, फिर उनमें अन्योन्या भाव करेंगे, एक दूसरे से अलग करेंगे, फिर एक दूसरे में थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा भी दिखाएंगे। एक बार व्यक्ति बना दिया, अन्योन्या भाव कर दिया, तो अब कौन बड़ा, अब ये भी तो तय करना पड़ेगा, तो उसमें बिचौलिए आते हैं कि नहीं कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये बिचौलियों के बीच में क्या जरूरत है, माने ब्रह्मा विष्णु महेश में झगड़ा होए तो आपको पंचायत करने के लिए बुलाएंगे, आप हो किस खेत की मूली। लेकिन लोग महाराज पंचायत करते हैं, नहीं नहीं सब बराबर हैं, आपस में सखा हैं, आपस में स्वामी सेवक भाव है। और गोस्वामी जी लिखा, जब आप भेद मानोगे तो कुछ संबंधी बना दो, झगड़ा तो ना होगा ना कम से कम। तो क्या बोलते हैं, सेवक स्वामी सखा सी पी के,
सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। शिव जी के बारे में कहा जा रहा है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। भूत भर्त्री च कौन तज्ञेयम् ग्रसिष्णु, इतना ही नहीं बल्कि प्रभविष्णु च, ये याद रखना इस पंक्ति को। भगवद गीता में ये तीनों शब्द चेतन के लिए कहे गए हैं। केवल एक चिन्मय तत्व के लिए तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्थिति काले भूत भर्त्री, प्रलय काले ग्रसिष्णु, उत्पत्ति काले प्रभविष्णु। ये कुछ अध्ययन करते समय देखो कुछ रत्न निकल आता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने जो हम बचपन से एक धारणा लेके चल रहे हैं उस धारणा की व्यवस्था लग जानी चाहिए। वो जो धारणा है वो शास्त्र सम्मत हो जानी चाहिए। इन नामों से हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन उस नाम के पीछे रहस्य क्या है वो मालूम होना चाहिए। ये है शिव पुराण व्यास जी ने लिखा, विष्णु पुराण भी व्यास जी ने लिखा। अब महाराज झंझट शुरू, शिव पुराण पढ़ो। तो बोले शिव जी ने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने स्वरूप में रमता हूँ सृष्टि का। हे विष्णु सृष्टि का पालन करो, ये चक्र सुदर्शन ले जाओ। अब वैष्णव लोग पढ़ेंगे तो महाराज लाल और फिर बाद में पीले जरूर होंगे। तो विष्णु पुराण में दूसरी बात आएगी, भागवत जी में थोड़ी सी उदारता। अब जैसे भागवत में कहा गया कि एक ही तत्व के ये तीनों नाम हैं, गुणों की दृष्टि से कर दिया। सत्व गुण की दृष्टि से विष्णु, रजोगुण की दृष्टि से ब्रह्मा जी, ये लिखा, और तमोगुण के अपेक्षा से शिव। अब भागवत में ऐसा लिखा, आप लोग वेदांती ही रहना और कुछ मत बनना। हाँ, तो क्योंकि श्रुति अनुकूल अंश में ही सब ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि पालन करना किस लिहाज से सत्वगुण का कर्म है। वहां तो आपको लड़ाई भी करनी है, अवतार भी लेना है, छल भी करना है। नहीं, भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी के साथ छल किया। यानी किस लिहाज से पालन कर्म, हम ही लोग जब थोड़ा बहुत व्यवस्था में आते हैं, शासन प्रबंधन में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैं तो नहीं देखता कि मेरा सत्वगुण बढ़ गया। मैं तो देखता हूं कि ये तो रजोगुण बढ़ गया। तो जो व्यवहार से गुण का अनुमान होता है वो तो अनुमान दूसरा हो रहा है। ब्रह्मा जी भी रजोगुण, क्योंकि उत्पत्ति में भी रजोगुण लगता है और पालन में भी तमोगुण तो कुछ दिखता नहीं। या तो ये कहो शिव में तमोगुण और सत्वगुण दोनों गए, लय की स्थिति दोनों में बनती है। अगर परम सत्व हो तो निवृत्ति, अपरिग्रह, समाधि, वैराग्य, ये जो लक्षण हैं ये तमोगुण के तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन वहां लिख उठा। अब आप घबरा जाओ, कोई घबरा न जाओ, आप अपने वेदांत में रहो। ये सब ऐसी बातें कही जाती हैं क्योंकि वो कोई वैष्णव प्रधान है, कोई
शैव प्रधान है, कोई गणपत्य प्रधान है। गणेश जी का पुराण पढ़ो तो नारायण सब फेल, अथर्व शीर्ष पढ़ो फिर सबसे बड़े गणेश जी, और सौर्य महाराज वराह पुराण पढ़ोगे तो वराह भगवान ही सबसे ऊपर है। 18 पुराण कर दिया तो फिर तो बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तत्व जानता हो तो विहार करता है मन। इसलिए गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारी। स्थिति क्या है कि जो जड़ है वो मोहित होता रहता है, जड़ माने मूर्ख, और जो बुध है वो सुखी होता रहता है। उसको शास्त्र का विलास दिखाई देता है, हाँ अच्छा आज यहां ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया। मूल जानता है ना वो। तो इन चीजों को बचपन से हम कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा सुनते चले आ रहे हैं, तो अब उसकी व्यवस्था लगनी चाहिए। देखो क्या बोलते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अभी पुष्टि मार्ग के लोग आए थे ना बीच में बंबई से, हमारे कमरे में तुम लोग बैठे थे, हाँ उन्होंने क्या कहा कि कृष्ण भगवान के अलावा नाम मत लो किसी का। वन उसमें भी वृंदावन वाले कृष्ण नहीं, मथुरा वाले वो चाहिए, कालिंदी उनकी पटरानी, राधा जी का नाम मत लेना। मैंने कह रहे भैया जिस तरफ जाओ मन उधर ही बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है, तो बाल कृष्ण चाहिए, युवा कृष्ण का कोई मतलब ही नहीं। पुष्टि मार्ग में जो उपास्य देव हैं वो बाल कृष्ण है। पार्थ सारथी वाले लाला कोई, तो बाल की उपासना करने से वो उनको उसी हिसाब से नहलाएंगे, पोंछेंगे, उसी तरह के कपड़े मलमल के पहनाएंगे। कभी जाना आप लोग हवेली में देखने दर्शन करें, आगे खिलौने रखे रहते हैं है ना, और नहलाते समय आगे लड्डू रखते हैं, बालक है ना मचल जाए तो। ऐसे ऐसे रूप होते हैं भगवान के, आप कह नहीं सकते। बस हमारे अनुभवानंद जी बोलते थे पुष्टि मार्ग माने पुष्ट लोगों का मार्ग। देखो वो तो विनोदी आदमी बोले पुष्टि मार्ग को कभी आपने अपुष्ट देखा है क्या? आपने देखा, अभी आए थे तो वो पुष्ट मार्ग है बिल्कुल। 56 प्रकार का लगना है तो फिर कैसे आप इधर उधर कर सकते हो, रोज लगना है। तो ये स्थिति तो आग्रह हो जाता है बहुत सारा, ना ना ना, ना। आप बिल्कुल वेदांत के तत्व में जाओ। गोस्वामी इतने वेदांत वेद्यम विभु, परमात्मा राम वेदांत वेद्य हैं, ये गड़बड़ झाले में नहीं पड़ते हो। दूसरा देखो, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, ये बिल्कुल साफ रूप से दृक् दृश्य विवेक के का समर्थन कर देता है। दृगेव न तु दृश्यते। गीता में आगे स्वयं बोलेंगे भगवान उपद्रष्टा, लेकिन मुख्य रूप से इसको देखो, और कैसा है वो, तमसः परमुच्यते। ये बहुत सुंदर लक्षण किया प्रभु ने, तमसः परमुच्यते माने यह तत्व ऐसा है जहां कभी अज्ञान का प्रवेश नहीं होता, सहज प्रकाश है।
नित्य प्रकाश स्वरूप है, लेकिन ज्ञेय नहीं बनता। ज्ञेय बनता नहीं माने दृश्य कोटि में आएगा नहीं, विदित बनेगा नहीं और अविदित कभी नहीं बनेगा। ये बताने के लिए क्या लिख दिया, तमसः परम उच्यते। ज्ञात और अज्ञात दोनों श्रेणियों में परमात्मा नहीं आता। बिल्कुल श्रुति की पंक्ति जैसे घट गई हो, अन्यदेव विदितात् अथो अविदितात् अभी, बिल्कुल वो पंक्ति घटा दी। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परम उच्यते। भगवान कहते हैं देखो, ज्ञानम, वो परमात्मा ही ज्ञान है। माने 200 जीवन मूल्य जो हैं उसका मूल स्वरूप और मूल स्रोत परमात्मा ही है। अनंत होने के कारण अमान वही है, अहम रहित होने के कारण अनहंकार वही है। दृश्य कोटि में न आने के कारण अदम भी वही है, अद्वैत होने के कारण अहिंसक वही है। परायापन ही नहीं ना किसी से सर, ये सारे जो सद्गुण हैं वो सब के सब परमात्मा के स्वरूप हैं। वैराग्य मैंने क्या कहा था, विषय के पराधीनता का अभाव है ना। व्यक्ति विषय के संदर्भ में अपने को जब स्वाधीन अनुभव करता है तब उसको बोलते हैं विरक्त। वो कौन है, वो जीव हो ही नहीं सकता। अगर जीव होगा तो आपेक्षिक होगा, पूरा नहीं हो सकता। तो 100% विरक्त अगर कोई है माने विषय निरपेक्ष अगर कोई है परमात्मा ही है। स्वरूप रमण के कारण वो भक्त है। हाँ, अव्यभिचारी है, स्वयं में तृप्त होने के कारण अव्यभिचारिणी भक्ति उन्हीं की है। आपे रसिया, आप रस, आपे रमणहार। ये देखो, आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। सारे गुण मिला लेना तो भगवान अपने मुख से ही बोल देते हैं ज्ञानम। अंतःकरण में इन गुणों का कैसे वर्णन होगा कि जो अंतःकरण परमात्मोन्मुखी है। ये बिल्कुल एक ही तरीका है, बाकी तरीके बहुत ही गौण हैं, मूल तरीका यही है। जो अंतःकरण आत्मोन्मुखी है उस अंतःकरण में आत्मा की उपासना करने के कारण उसके धर्मों का अवतरण हो जाता है। ठीक है, अग्नि की तरफ हाथ रखे रहने से हाथ भी थोड़ा गर्म हो जाता है, जल रखने पर जल गर्म हो जाता है। इसी तरह से अंतःकरण में अमानित्वादि जो सद्गुण हैं वो आगंतुक हैं, वो प्रभु की सेवा करने से आए हैं। सेवा माने आप समझते हो, सेवा माने तनमुखी होने से, उसी में रमने से, उसी का नाम लेने से, उसी का ध्यान करने से। जितनी गहरी उपासना उसकी होगी उतने ये जो प्रभु के धर्म हैं वो अंतःकरण में आके गुण बन जाते हैं। बोले बड़े विरक्त हैं, अमानी हैं,
निर्दम्भी हैं। ये किसको कहा जा रहा है? अंतःकरण वाले को कहा जा रहा है, लेकिन वो उसके है नहीं। हाँ हाँ हाँ, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। उसका रहस्य यही है कि उसी की कृपा से अंतःकरण में अवतरित होते हैं। इसीलिए जब कहा जाता है ना, साधन भजन बढ़ाओ, क्योंकि ये तो गुण है, दुकान पर मिलते नहीं मिलेंगे, हैं ही नहीं वहां पर, तो कैसे मिलेंगे? ये हैं कहां? ये परमात्मा के धर्म है, परमात्मा का स्वभाव है। बस ये भागवत जी में तो लिखा, ये जो गुण है वहां भी गिनाया कुछ गुण, उन्होंने कहा ये त्रिगुण से नहीं आते। मैं कुछ साधकों के साथ बैठा था, उसमें भाई साहब भी थे, तो बोले ये कैसे हुआ, सब सत्वगुण से आएंगे और कहां से आएंगे। उन्होंने कहा ये भक्ति चार तरह की वहां बताई, तो उसमें कहा तामसिक भक्ति, राजसिक, सात्विक और एक निर्गुणी भक्ति। आता है प्रसंग कपिलोपाख्यान में आता है, उन्हें साफ कह दिया कि ये गुण जो हैं वो त्रिगुण से नहीं आते। मुझे बहुत आनंद हुआ, कहा बिल्कुल 100% कन्फर्म हो गया। मैंने यू गेट कन्फर्मेशन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि अमानित तो कोई त्रिगुण में थोड़ो बैठा है, अमानित तो परमात्मा का धर्म है, अहिंसा तो परमात्मा का धर्म है, वो त्रिगुण में कहां से आएगा। हां ये बात ठीक है कि अंतःकरण में वो प्राप्त होता है। किस अंतःकरण में? जो उस प्रभु से जुड़ा हुआ अंतःकरण है, वो मानो आंचल फैला करके खड़ा रहता है तो वहां से थोड़ा थोड़ा टपक जाता है। यही है, इसलिए साधना से चीज बढ़ती है। साधना मैंने परमात्मा की भक्ति, उनकी स्मृति। तन्मयता, तन मुखता है, वृत्ति की तदाकारता, ऐसी गहरी गहरी उपासना हो व्यक्ति को, कोई इन गुणों के लिए कोई बहुत पेचीदा साधना करने की कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं आता है, वहीं से आता है। नारायण, मन लग जाए प्रभु के स्वरूप में रमने का, तो सामने विषय आने पर वो व्यक्ति उसको मना करता है, नहीं चाहिए, तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे? विरक्त है, विरक्त है उस समय वो। उनसे पूछा जाए आप विरक्त हो? बोले मैं अनुरक्त जरूर हूं। ये जो अनुरक्ति है वही आपको विषय के प्रति विरक्ति दिखाई देती है। ये सब राम भजन के बाधक ये उसी मन को लगते हैं जो वहां स्वाद लेने लगा, उस स्वाद में ये चीज आके बाधा डालती है, तब वो बोल देता है बाधक है, दुनिया उसके पीछे पड़ी है, वो उसको बाधा समझता है। मनोवृत्ति का अलग अलग हिसाब है। तो ज्ञानम, ज्ञान गम्यम। या देखो क्या भाष्यकार लिखते हैं, ज्ञानादेहे दुस्संपादन बुद्ध्या प्राप्त अवसादस्य उत्तम भनार्थम आह। जब उसको लगा ना साधक को, शिष्य को, किसी भी पढ़ने वाले को ये लग जाए
कि ये अमानित्व आदि जो 20 चीजें हैं ये तो बड़ी दुस्संपादन करने लायक हैं, कठिन है इनको पाना, तो उसको उत्साहित करने के लिए, उत्तम भनार्थम माने उसको बिल्कुल उत्साहित खड़ा कर देने के लिए भगवान बोलते हैं, अरे तू क्या चर्चा कर, ये 20ों के बीच से मेरा ही स्वभाव है। ज्ञानम माने अमृत अमानित्व आदि, केवल मेरी ओर देखो, तुम मुझ में रमो, फिर देखो आप, सब धीरे धीरे उसमें उतर जाएगा। नाम का आश्रय लो, मेरा आश्रय लो, नाम आम तो ठीक है, नाम के जरिए आश्रय लो, पूजा करो, नाम का आश्रय लो, जो मर्जी करो, कीर्तन कर लो ढोलक बजा के, साधन में कोई आग्रह नहीं है, वृत्ति तन्मुखी होनी चाहिए, बस ये। ज्ञानम गेयम, गेयम वही 5 श्लोक 5.5 श्लोक, गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादिना उक्तम। ज्ञानगम्यम माने इस ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जानी जाएगी अर्जुन, वो कोई और नहीं होगा, वो मैं ही होऊंगा। ज्ञानम गेयम माने ज्ञातव्यम, याद रखना ज्ञातव्यम, ज्ञान गम्यम, कहाँ रहता है ऐसा प्रभु? हृदय सर्वस्य विष्ठितम, ये है सर्वस्य लिखा, हृदय शब्द का अर्थ किया बुद्धौ, मैंने आप समझ लो, तो इसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं, हृदय बुद्धि न आप अपने भीतर उसको प्राप्त करोगे। बुद्धौ सर्वस्य प्राणी जातस्य, किसी में कम ज्यादा नहीं है, किसी में बुद्धि कम हो सकती है, परमात्मा कम नहीं हो सकता है, किसी में सद्गुण ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ना ना, बिल्कुल सम रूप से रहता है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम नारायण विष्ठितम विशेषेण स्थितम तत्र एव ही त्रयम् विभाव्यते, त्रयम् माने एकम, त्रयम् कहां से होगा? ज्ञानमपि विभाव्यते कुत्र? हृदय एव। ज्ञान गेयमपि विभाव्यते हृदय एव, ज्ञान गम्यमपि विभाव्यते हृदय एव। तीन तीन थोड़ो हैं, एक ही है नारायण, इसलिए कोई दूर जाने की बात नहीं है अर्जुन, ऐसा है वो स्वरूप। अब उपसंहार कर देते हैं, इति क्षेत्रम अर्जुन, तीन विषयों पर हमने तुमको समझाया। पहला विषय मैंने उठाया क्षेत्रम, 2 श्लोकों में महाभूतान्यहंकारम बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रम्। तो ये बोलते इति क्षेत्रम्, विद्यार्थी को मैंने पक्का याद होना चाहिए, मिला लेना चाहिए। भगवान ने 2 श्लोकों में क्षेत्र का वर्णन किया, फिर 5 श्लोकों में ज्ञानम का, तथा ज्ञानम अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषान
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्ययि विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शन एतज् ज्ञानम् ऐसे इति क्षेत्रम एतद् ज्ञानम। अब कहा ज्ञेयम् च, ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, कौन बोल पाएगा? भरत ने तो सुना दिया है एक दिन। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते सर्वतपाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यतिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुण भोक्तृच बहिरन्तस्य भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तमसः ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानज्ञं हृदि ये उक्तम्। पांच पांच और दो, कुल बारह श्लोक में, इसलिए भगवान ने कहा समासतः। इस संक्षेप में तीनों बिंदु हमने बता दिया अर्जुन, इसका विस्तार मनन करते समय आप स्वयं कर लो। लेकिन मैंने तो बारह, आपको हो तो साढ़े बारह कर लो, और प्रतिज्ञा को लेके चलना हो तो तेरह कर लो, अन्यथा साढ़े बारह। साढ़े बारह श्लोकों में मैंने ये बात सारी बता दी। अगर दोनों प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखेंगे तब तो चौदह हो जाएंगे। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी च तत् यतश्च नहीं तो यद्विकारी च यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत् समासेन। तो ये एक प्रतिज्ञा वाक्य है, और दूसरा है ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा। अगर इसको समेट के चलते हैं तो चौदह श्लोक, नहीं तो साढ़े बारह श्लोक। उक्तम केन उक्तम, मया उक्तम, समासतः संक्षेप में कहा, हे अर्जुन तुभ्यं प्रपन्नाय शिष्याय मया उक्तम ज्ञानम ज्ञेयम क्षेत्रम, इसको जानो। जानने का एक ही सबसे बड़ा साधन है मद भक्त। भक्त माने मेरा प्रेमी होए, मेरा वरण करे, मुझ में आश्रय ले, मुझ में रस ले, मन मुखी हो। भक्त में एक शब्द में सब आता है। भक्त माने पहले तो मेरा वर्ण करे कि मेरे प्रभु आप ही हो, मेरे इष्ट हो। आप इष्ट जो है बनाओगे कुछ और को और कहोगे मेरे इष्ट शिव जी हैं, और मन में है इष्ट कुछ और, ये तो बेईमानी हो गई। इष्ट माने इच्छित, इष्ट माने तो इच्छित होता है। तो जीवन का, सांसों का जो इष्ट है वो मैं हूं, ये बन जाओ वरण। फिर आश्रय लो, फिर वृत्ति मेरी ओर ही रहे, मन मुखी हो जाए वृत्ति। मनमुखी मैंने मन नहीं, मत मत
मत शब्द से आगे म होने से न हो जाता है त का, तो मनमुखी हो, और वो तभी हो सकती है जब मत प्रेमी हो, मत रसिक हो। प्रभु में रस आएगा तभी तो मनमुखी होगा। बस इतना हो जाए तो बस मत भक्त, इतना होवे तो मत भक्त। एतत् एतत् त्रिविधम् एवत् एतत् त्रयम्, जो हमने कहा है तीनों को, मत भक्त एतद् विज्ञाय, क्या होता है उसका? प्रभु बोले फिर वो नहीं रहता, मैं ही रहता हूं। मदभावाय, तदभावाय नहीं, क्या? मदभावाय, जीव भाव नहीं रहता। घट टूट गया तो आकाश का क्या बना? बोले तो तदभावा भावापत्ति हो गई। मदभावाय उपपद्यते अर्जुन, ये होता है, ये बिल्कुल संभव है, ये होता है, ये हो सकता है, ये लोगों में हुआ है। बहवः ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगताहा, पहले बोल चुके हैं भगवान। मदभावम आगताहा बहवः, ये कोई तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। बहवः ज्ञान तपसा पूताहा मदभावम आगताहा, ये वही है। तो यहां 18वें श्लोक में एक, यानी ये तीन विषय पूरे हो गए। भगवान अब इसी बात को दूसरी भाषा में 19वें श्लोक से शुरू करते हैं, 23वें श्लोक में जाके उसको पूरा करते हैं। एक दिन कर्नल साहब बोल रहे थे पैकेजेस बहुत सारे हैं भगवद गीता में। अब वो मैं वो भाषा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि टॉपिक्स हैं और बिल्कुल सधे सधाए हैं। एक विद्यार्थी को इसको इस तरह से श्रेणीबद्ध करके बिल्कुल हर चीज को हाथ में ले लेनी चाहिए। ये मेरा है, हो गया मेरा, उसको चाहे जैसे मथ ले, बिलो जैसे दही बिलोते हैं ना, वैसे कर डालना चाहिए, आगे पीछे बस ऐसे होना चाहिए। तो ये 5 श्लोक का फिर से विषय आया, 19, 20, 21, 22 और 23। ये 23 में तो निगमन करके उपसंहार कर देते हैं। वर्णन तो 4 ही श्लोकों में है, लेकिन 23वां श्लोक बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैस्सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जाए। ये उपसंहार है। तो प्रकृति और पुरुष का जो विवरण है वो मैंने 5 गिनी लीजिए, 4 श्लोकों में विवरण है, 5वें श्लोक में उपसंहार है, फलश्रुति के साथ उपसंहार है। तो आप देखें तो 5, 5, 5 3 प्रकरण आ गए, 5 श्लोकों में ज्ञान का, 5.5 श्लोकों में ज्ञेय का, और अब फिर 5 श्लोकों में प्रकृति और पुरुष का। ऐसे करवा 2 श्लोकों में क्षेत्र का, बाकी बीच में थोड़ा कहीं प्रतिज्ञा, थोड़ा कहीं प्रशंसा, कहीं प्रमाण, ऋषिभिर बहुधा गीतम इत्यादि हैं, इस तरह के वाक्य। अच्छा भाई देखें, कल तो इसको देखें, देखना शुरू करेंगे। देखो पहला जो लक्षण है वो मन में कर लें, फिर चलते हैं। बोलते हैं ऐसा लगता है, आरंभ ऐसा करते हैं जैसे कि बिल्कुल सांख्य दर्शन का भगवान समर्थन करने जा रहे हैं, च लगा के बोलते हैं।
प्रकृतिम पुरुषम च, देखा प्रकृति और पुरुष, और ये भी कह दिया विद्धि अनादि उभावपि, विद्धि अनादि उभव अपि, दोनों ही अकारण हैं। अनादि का मतलब क्या हुआ, आदि न विद्यते न कारणम विद्यते इत्यर्थ। आदि नहीं है का मतलब क्या है, प्रागभाव रहित, आदि उसी की होती है जिसका पहले प्रागभाव हुआ। तो भगवान बोलते हैं इन दोनों का कोई प्रागभाव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों दोनों स्वतः सिद्ध हैं कहना पड़ेगा भाई, साध्य नहीं है, उत्पन्न नहीं होते तो पहले से हैं, आप तो ये कहो, या तो माने एक चौराहे वाली भाषा में बोलो कि दोनों पहले से ही हैं। अब पहले से ही हैं माने क्या, स्वतः हैं, किसी कारण से ना ही है तो मतलब क्या हुआ, स्वतः है। लेकिन फिर प्रकृति जो है वो जड़ होने के कारण स्वतः सिद्ध तो नहीं हो सकती, उसके होने को सिद्ध होने के लिए एक दृष्टा तो चाहिए। इसलिए देखो, इसलिए पक्के तौर पे स्वतः सिद्ध अगर कोई है तो वो तो दृष्टा ही है। लेकिन प्रकृति में भी प्राग भाव नहीं है। प्रकृति माने त्रिगुण, प्रकृति माने कोई कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं, प्रकृति माने त्रिगुण। गुण के द्वारा कार्यानुमेय जो त्रिगुण तत्व है हे अर्जुन, वो हैं सबसे मूल में भाई है, महत्तत्वादि का भी कारण वही है, स्वभाव आदि का भी कारण वही है, अंतकरणादि का भी कारण वही है। त्रिगुण एक ऐसी चीज है वो शुरू से है। बोले त्रिगुण का कारण क्या है, बोले नहीं उसका कोई कारण नहीं है। सत्व रजस तमो गुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया उत्पद्यते नहीं, माया अस्ति। यहां परमात्मा ने कहा विद्धि अनादि उभौ अपि, बोले अच्छा प्रभु, फिर ये अर्जुन कि जितने विकार हैं और जितने गुण हैं वो सब के सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इस सत्य को पकड़ो। गुणों से और विकारों से पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। विकारांश्च गुणांश्चैव, ये देखो भगवान कहते हैं इसके ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, इसलिए जानना चाहिए। विकारांश्च, जहां विकार दिखाई दें प्रमा में ये बात आनी चाहिए ये प्रकृति का है। मुझ में लग रहा है, लगने दो, लगना सब कुछ सही नहीं होता। भगवान ने कह दिया विकार का संबंध प्रकृति से है और गुणों का भी संबंध प्रकृति से है। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि, इट हैज टू बी नोन, इट हैज टू बी रियलाइज्ड, इट हैज टू बी नोटिस्ड।
इट हैज टू बी रिकग्नाइज्ड। विद्धि ये शब्द बोलते हैं, इसका मतलब है कि इट गोज अननोटिस्ड। ये विद्धि बोलने की जरूरत क्या है, इसलिए क्योंकि हम लोग उसको नोटिस में नहीं लेते। विकार को, गुण को जहां भासता है वहीं मान लेते हैं। अहम में भासने लगता है तो अहम में ही मान लेते हैं, वो गलती है। विद्धि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से संभूत है अर्जुन, इसको जानो। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।